इससे बड़ी कमाल की बात क्या हो सकती है कि कुलभूषण जाधव के केस में आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत को कटघरे में खड़ा कर दिया। पर यह मुगल छाप मूल कह रहा है उनकी जीत हुई है। आईसीजे ने जाधव को काउंसलर एक्सर देने का पाकिस्तान को आदेश दिया है, फिर भी ये मानते हैं फैसला उनके पक्ष में आया। जाधव की सजा पर रोक लगी, इनकी अदालतों पर सवाल उठे, मानवाधिकार हनन की लताड़ इनको पड़ी, पर जीत अपनी ही मान रहे हैं। हमने पहले ही कहा था ये गोरी या गजनवी का दरबार नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट है। यहां तैमंद और टोपी पहनकर फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, पर ये पाकिस्तान है जो अपनी अदालत के फैसलों को पलटने के बावजूद भी अपनी जीत बता रहा है। इस मदरसा जमात मुल्क को नहीं पता है सवाल उसके फैसलों पर उठे हैं। भारत तटस्थ था जबकि पाकिस्तान बचाव की मुद्रा में, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में लोगों से बेफिजूल में गधैया नर्तक करवा दिया गया। बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से पैरवी करने वाले मशहूर वकील हरीश सालवे ने जाधव का केस मात्र ₹1 फीस पर लड़ा, जबकि उनकी एक दिन की फीस ₹30 लाख बैठती है। मगर भिखारी मुल्क के वकील ने यहां भी भिखारीपन ही दिखाया। कंगाल मुल्क के खजाने से खावर कुरैशी ने ₹20 करोड़ हड़प लिए। मतलब देश प्रेम और देश के प्रति सम्मान क्या होता है यह केवल हिंदुस्तानी ही जानते हैं। पाकिस्तानी मदरसे से निकली नस्लों को झूठ फरेब और लूट खसोट की ही तालीम मिलती है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है, खावर कुरैशी पाकिस्तान को ₹20 करोड़ की चपत लगाकर चलते बने। अब पाकिस्तान हिसाब जोड़ रहा है, कंगाली के इस दौर में उनकी खाना पूर्ति कैसे करेगा। खस्ता आर्थिक हालात का सामना कर रहे पाकिस्तान के जाधव केस पर इतनी बड़ी रकम लुटाने और कुछ भी हाथ नहीं लगने से भारी आलोचना हो रही है। कमाल की बात देखिए, जितनी रकम खावर कुरैशी ने बटोरी उसके मुकाबले वर्ष 2016 के पाकिस्तान के बजट में ₹18 करोड़ 30 लाख अग्नि सुरक्षा के लिए दिए गए थे। बात आगे करें तो जेल प्रशासन के लिए ₹3 करोड़ 80 लाख और सार्वजनिक सुरक्षा शोध एवं विकास के लिए ₹3 करोड़ 10 लाख बजट में आवंटित थे। यानी खावर कुरैशी इस मुल्क के तीन विभागों का बजट अकेले डकार गया। फिर भी इस मुगल छाप को खावर कुरैशी पर फक्र है, यानी हार और लुटाई के बाद चिड़िया नीम की निबोली खाकर चेचाना नहीं भूली है। जो पाकिस्तानी इस्लामाबाद की गोबर मंडी में लीपापोती कर रहे हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि इस मुकदमे में भारत के पास खोने को कुछ नहीं बचा था, उसे केवल जाधव को पाकिस्तान से बचाना था, जबकि पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री कोर्ट की इज्जत बनाए रखनी थी। पाकिस्तान की दलील थी कि भारत का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है, पर आईसीजे ने पाकिस्तान की इस आपत्ति को खारिज करके मुंह पर कालिक पोत दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट द्वारा दी गई जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को आदेश दिया गया कि वह भारत को कुलभूषण जाधव तक कंसुलर एक्सेस मुहैया कराए। आईसीजे में 15-1 से फैसला सुनाया कि पाकिस्तान ने भारत को जाधव तक कंसुलर एक्सेस नहीं देकर वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1B का उल्लंघन किया है। आईसीजे ने 15-1 के बहुमत से यह भी कहा कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के तहत कुलभूषण जाधव को बिना किसी विलंब के उन्हें मिले अधिकारों को बताना चाहिए था। पाकिस्तान को भारतीय दूतावास के किसी अधिकारी को जाधव तक पहुंच उपलब्ध कराना चाहिए था, क्योंकि यह जाधव का अधिकार था। आईसीजे ने 15-1 के बहुमत से पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह जाधव के दोष और उन्हें सुनाई गई मौत की सजा की समीक्षा करे और उस पर पुनर्विचार करे, साथ ही जाधव को वियना कन्वेंशन के हिसाब से सारे अधिकार मिले। आईसीजे के 15-1 के बहुमत से यह भी आदेश दिया गया कि सजा की समीक्षा तक जाधव की फांसी पर रोक जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आईसीजे के 15 जजों की पीठ में यह कौन सा एक जज था जो पीठ द्वारा लिए गए हर फैसले के विरोध में बार बार आगे आ रहा था। जरूर यह कोई गजनवी नस्ल का DNA रहा होगा, जिसे न्याय की गद्दी पर बैठा तो दिया गया मगर कीटाणुयुक्त DNA इसकी तसरीफ से निकल नहीं पाया। यह व्यक्ति था एडहॉक जज तसदुक हुसैन जिलानी, जो पाकिस्तानी मदरसे से निकली कटोरा छाप मुल्क का बासिंदा है। बुधवार को आईसीजे ने 7 फैसले दिए और इन 7 फैसलों में जिलानी ने 7 फैसलों में असहमति जताई। कमाल की बात देखिए, द हेग में फरवरी 2019 में अंतिम बहस की सुनवाई के बाद जिलानी जनाब को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए केस को स्थगित करने का निवेदन किया था। यानी इस जज ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पापड़ बेलने की बहुत कोशिशें की। इससे पहले पाकिस्तान का कोई भी तत्र जज आईसीजे का सदस्य नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने अपने इस पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिलानी को अस्थायी रूप से नियुक्त किया था।
भारत की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दलवीर भंडारी आईसीजे के 15 स्थायी सदस्यों में से एक है। खास बात यह है कि तसदक हुसैन जिलानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजक गिलानी के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। शायद हो सकता है आईसीजे में उनके पक्षपाती फैसलों से पाकिस्तान की साख पर बट्टा लगे, क्योंकि उनके द्वारा जिस प्रकार 15 सदस्य पैनल के खिलाफ राय रखी गई उसकी अपेक्षा एक न्यायाधीश से नहीं की जा सकती है। यह अलग बात है कि कोई गजनवी और गोरी के इतिहास से प्रेरित होकर पाकिस्तान की अदालतों में फैसला सुनाए और पाकिस्तान उसे भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के योग्य समझ बैठे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।